मध्य प्रदेश सरकार जो बिजली के बिलों पर 70% वृद्धि कर रही है उसका विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी गुना इकाई के द्वारा आज कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी आज मध्य प्रदेश सरकार जो बिजली पर 70% वृद्धि करने जा रही है उसके खिलाफ में आम आदमी पार्टी आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर जिलाधीश को ज्ञापन देगी। मुख्यमंत्री के नाम हमने भी दिया है। हम मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार 200 यूनिट तक जीरो 400 यूनिट तक आधे बिजली के बिल देती है उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार दे, पर यहां पर उल्टा हो रहा है। 200 यूनिट का 1500 रुपये और 400 यूनिट का 3200 रुपये आकलित बिल भेजा जा रहा है, उस पर ही 70% और वृद्धि करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ठेकेदारों से मिली हुई है, साठ गांठ कर बिजली वृद्धि कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के 70% वृद्धि का विरोध आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। यदि सरकार नहीं मानती है तो सारे प्रदेश में बिजली वृद्धि, महंगाई वृद्धि, डीजल पेट्रोल गैस वृद्धि, किराना राशन, इन सभी के विरोध करेंगे। गुना से डंपी खान की रिपोर्ट।